भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत हुई खराब। आपको बता दें कि बीते दो दिन पहले वीरेंद्र सचदेवा यमुना नदी में जाकर डुबकी लगा रहे थे और जिस तरीके से यमुना नदी में प्रदूषण है, जिस तरीके से सफेद झाग है उसको लेकर के वो लगातार आतिशी पर हमलावर हो रहे थे और आतिशी मार लेना से ज्यादा वो केजरीवाल सरकार को घेर रहे थे। और उनका साफ तौर पर कहना था कि केजरीवाल जो वादे किए थे यमुना नदी को साफ कराने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आके वो वादे पूरा करे। इसी को देखते हुए आरोप लगाते हुए, राजनीति करते हुए कहा जा रहा है कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना नदी में डुबकी लगाई, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और आज ही सुबह पता चलता है कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया है। जरा सोचिए कि किसी पार्टी के एक नेता जाकर के वहां पर प्रदूषण दिखाने की कोशिश करते हैं, आरोप लगाते हैं और उनकी तबीयत खराब हो जाती है, और आप सोचिए कि उसके आसपास के लोग जिस तरीके से रहते होंगे वो किस तरीके से रहते और उनको किस तरीके की समस्याओं को जो है झेलना पड़ता होगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि दिवाली के कुछ ही दिन बाद पूर्वांचलियों का जो महापर्व कहा जाता है, सभी का पर्व कहा जाता है, छठ पर्व। तो छठ पर्व को लेकर के जो है वहाँ पे जाकर के घाट बनाया जाता है, वहाँ पे लोग छठ मनाने जाते हैं। इसी को देखते हुए लगातार ये सवाल किया जाता है कि आखिर केजरीवाल यमुना नदी को कब साफ करवाएंगे। इसी को देखते हुए बीते दो दिन पहले गुरुवार को बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ साथ कई ऐसे बीजेपी नेता थे जो वहाँ पर प्रदूषण को लेकर के हमलावर हुए केजरीवाल पर और वहां पर हिसाब मांगा, जो बजट केंद्र की तरफ से जाता है यमुना नदी को साफ कराने के लिए उसका हिसाब भी मांगा। और कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाते हुए यह भी कह दिया कि केजरीवाल और आतिशी मार लेना यहां पर आए, डुबकी लगाएं और सारा हिसाब दे। तो आपने ये सारी चीजें देख ली। इसी बीच खबर आती है कि वीरेंद्र सचदेवा बीमार हो गए हैं, वीरेंद्र सचदेवा को एडमिट कराया गया है। फिलहाल अब आपको जानकारी दे दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सभी पार्टियां तैयारियां तो रही है और इसी बीच अब दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है और लगातार आप जानते हैं जब भी चुनाव नजदीक आता है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। वहीं आपको बताते चले कि यमुना नदी को लेकर के और दिल्ली में हुए प्रदूषण को लेकर के लगातार बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर होती रहती है। हम केजरीवाल सरकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल ने कई साल पहले से यह वादा किया था कि वो यमुना नदी को साफ करवा देंगे, वहां पर आके वो डुबकी लगाएंगे और केजरीवाल का यह वादा कहीं ना कहीं अब पूरा नहीं हुआ, जिसको लेकर के लगातार बीजेपी घेर रही है। वहीं जब हम आम जनता से बात करने जाते हैं, पूछते हैं कि यमुना नदी में जो प्रदूषण है, दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है, पानियों में जो प्रदूषण है, उसको लेकर आपका क्या कहना है, तो साफ तौर पे लोग यही बोलते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी तो है लेकिन यहाँ पर कितना प्रदूषण है ये आप सभी जानते हैं, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल होता है। और आपको बताते चले कि हर एक दिल्लीवासी केजरीवाल सरकार से ये सवाल करता है कि आखिर उस बजट का क्या हुआ और आकर आप यमुना नदी में कब डुबकी लगाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से यमुना नदी में सफेद झाग देखा जाता है वहां पर आधे घंटे खड़े होना मुश्किल है। और आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा को सांस लेने में दिक्कत हुई, उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ है, उनके जो पूरे बॉडी पे वो लाल लाल चकत्ते पड़ गए। तो जरा सोचिए कि तीन डुबकी लगाने के बाद अगर वीरेंद्र सचदेवा की यह हालत होती है तो वहां पर कितना प्रदूषण होगा। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में वायु प्रदूषण से लेकर के पानी में प्रदूषण अगर इस तरीके से रहेगा तो किस बात की देश की राजधानी दिल्ली। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेकर के जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाती रहती है, लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आई कि वीरेंद्र सचदेवा जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और कारण क्या है कि वो यमुना नदी में डुबकी लगाने गए थे। तो कहीं ना कहीं इस पर क्या कुछ बातें सामने निकल करके आएगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। जय हिंद।